पुलिस मुख्यालय भोपाल के आदेश अनुसार पुलिस अधीक्षक डॉक्टर श्री दयाल सिंह के निर्देशन में अवैध शराब के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के अंतर्गत 33 क्वार्टर देसी मसाला शराब कुल 1,650 क्वार्टर 293 लीटर कीमत जिसकी 1,81,500 रुपये जब्त कर कब्जे में लिया है। अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक सूर्यकांत शर्मा के मार्गदर्शन में थाना प्रभारी शिव मूरत यादव के नेतृत्व में थाना कन्नौज की टीम द्वारा अवैध शराब परिवहन और विक्रय करने वालों की धरपकड़ के दौरान 18 अगस्त को मुखबिर सूचना पर थाना प्रभारी शिव मूरत यादव, आरएसओ जितेंद्र अर्पित जायसवाल पुलिस बल के द्वारा आष्टा रोड साई मंदिर चौराहा के पास पहुंचे, जहां आष्टा कुशमानिया की तरफ से एक लाल भगवा रंग की कार आती दिखी, जिसमें रोककर गाड़ी में बैठे चालक से पता पूछने पर उसने अपना नाम सूरज दास, पिता धीरज दास, निवासी तिरलंगा त्रिलोचन नगर गुलमोहर भोपाल होना बताया। वाहन को चेक करने पर उसमें देसी मदिरा मसाला शराब की 33 पेटियां सील बंद भरी हुई पाई गई। शराब को लाने ले जाने और वैध लाइसेंस के बारे में पूछताछ करने पर उसने नहीं होना बताया। कन्नौज से कमल गर्ग की रिपोर्ट। प्रभारी कन्नौज श्री मूरत यादव को ये सूचना मिली थी कि आष्टा रोड तरफ से कोई किसी कार में कोई दारू का परिवहन कर रहा है। इस सूचना पर टीम लेकर वो जब साई मंदिर के पास पहुंचे तो एक लाल रंग की जो हुंडई वरना कार थी उसको रुकवाया गया, तो उसमें 33 पेटी दारू रखी पाई गई, जो कि सूरज दास पुरी जो भोपाल का रहने वाला था उसके कब्जे से उसको जब्त किया गया और थाने पर लाकर 3402 का प्रकरण बनाया गया। ये कुल 297 लीटर दारू है और लगभग 2 लाख रुपये कीमती है, और इसमें हम आगे ये भी पूछताछ कर रहे हैं कि ये दारू आ कहाँ से रहा था और किस कंपनी का था, उसके मैनेजर या उसके जो भी संबंधित लोग हैं वो भी इसमें आरोपी बनाए जाएंगे। 24 घंटे चुस्त दुरुस्त रहते हैं। अगर आबकारी विभाग का यह काम है कि वह शराब की कार्रवाई करे, हम उनको सहयोग भी करते हैं, लेकिन जो हमारी जिम्मेदारी है वो पूरा हमारा जो ग्रामीण क्षेत्र का पुलिस थाना पे लगा बल है वो लगातार अवैध गतिविधियों की धरपकड़ करता रहता है और उसी के तहत ये कार्रवाई संपन्न हुई। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।